डुबा में इंचार्ज में था हमारे अंडर तीन चार सौ आदमी काम करते थे उस से हिंदू बनाते थे उन सब प्रचार उन पे ज्यादा हो रहा था उसकी वजह से बापू को फसाया गया है मेरे बापू जल्दी छोड़ें, नहीं फिर क्रांति आएगी निश्चित बापू जैसे आदेश रुके हुए हैं बापू एक आदेश दे दें दे दे तो भी पलट सकता है ये सब हमारे साधकों में सकती है लेकिन हमारा आरवी गौड़ यहाँ वलसाड़ के रहने वाले मैं बैठे यूपी के रहने वाला हूँ इटावा गांव का मैं रेलवे में नौकरी करने के लिए यहाँ पे आया था तब से मैं बलसाड़ में बस तो गया रिटायर हो गए रिटायर हो गयी रेलवे में आप सीनियर सीनियर इंजीनियर पद पे था सी डब्ल्यू एन चार्ज में डिपो बलसाड़ डिपो में रेलवे डिपो में इंचार्ज में था हमारे अंडर तीन चार सौ आदमी काम करते थे उसमें मैं काम करता था कितने सालों से जुड़े हो बापू बापू से, से बाईस साल हो गए बाईस सालों से जुड़े हो सरकारी रेलवे में आप कर्मचारी रहे हो तो बापू पे जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है उसमें बिल्कुल सच्चता नहीं है बापू को निर्दोष बरदापू निर्दोष में फंसाया गया जबरदस्ती क्योंकि ये ईसाई को मिशनरियाँ चलती थी उनके चर्च में पैसा आता था करते थे जाके भंडारा करते थे गाँव में और बच्चों को हिंदू ईसाई से हिंदू बनाते थे उन सब प्रचार उन पे ज्यादा हो रहा था उसकी वजह से बापू को फंसाया गया है ईसाई में द्वारा फंसाया गया है लेकिन लोगों का और कुछ टीवी चैनलों का ऐसा कहना है कि बापू द्वारा आश्रम द्वारा गलत गतिविधियां होती है तो उसमें कितनी सच्चाई बिल्कुल सही कोई गतिविधियां नहीं होती हैं कि हमारे बच्ची हमारे सब बच्ची हमारी बच्ची जो लड़की थी हमारी थी जो लड़की उसे थोड़ा सी बीमारी हो गई थी सब जो लेके मैं गया बापू ने केवल मंत्र दिया कि मंत्र अंदर और बीमारी भार तो आज सोरा से जैसी कठिन बीमारी हमारी लड़की खत्म हो गई और शादी हुई है अब दो बच्चे भी खेल रहे हैं लेकिन आप जो लोग ऐसा बोल रहे हैं जो आप लोग ये जो बातें कर रहे हुए तो एक अंधश्रद्धा है बापू के अंधभक्त है तो उसके विषय में क्या कहोगे नहीं भैया अंधश्रद्धा नहीं मेरी सिद्धा है अंध्रद्धा नहीं है बापू ऐसा काम करते हैं कोई नहीं कर सकता है जो वहाँ पे हमें मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं सब चरस गांजा अफीम सब यहाँ आते रेगुलर सब करता था जब बापू पे यहाँ पे बांद्रा में सत्संग हो रहा था मैं रेलवे काम से जा रहा था वहाँ पे नशे की सावधान किताब थी उसमें पढ़ा कि जो पूजा पाठ करने में तमाम तमाखू अगर मुझसे कहते सब तुम्हारा पूजा पाठ खत्म हो जाता हमारे मन में बात लग गई वहाँ बांद्रा में बापू का शिविर चल रहा सत्संग मैं वहीं छोड़ कर रेलवे छोड़ के मैं वहाँ पहुँच गया जाकर अकेले ही और एक ही श्रद्धा में वहाँ दीक्षा ली बापू की और मेरा जीवन बदल गया ना कोई चाय ना सिगरेट ना पान में सब खाता था उनके शिक्षा लेने के बाद में कुछ नहीं हुआ जो आनंद मिला बापू शक्ति से मेरा जीवन बदल गया वहां पे आपने आप, आप रेलवे एक कर्मचारी हो तो आज भी आप बापू को 25 अप्रैल को एक फैसला सुनाया उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई तो अब संकोच नहीं होता समाज के अंदर जाने से कि हम बापू के नहीं बिल्कुल संकोच नहीं तो मैं और ज्यादा करता हूँ और मैं घर गर्व गर्व हाँ आज भी गर्व है बापू आज भी गर्व है और मैं ज्यादा करता हूँ हमारे घर में बहुत चारों पोटियों ऊपर लगी हुई है दरवाजे पे भी हरिओम नमाज लगा है सब जने हरिओम नाम से पुकारते हैं हमारा नाम कोई नहीं जानता है आस रेलवे में हजारों आदमी है हरिओम साहबारे हरिओम रहे जय बोल जानते हैं स्टेशन पे हर चीज में सब क्या मांग करोगे प्रशासन से सरकार से क्या मेरे बापू जल्दी छोड़ें नहीं फिर क्रांति आएगी निश्चित बापू जैसे आदेश रुके हुए हैं बापू एक आदेश दे दें तो भी तख्ता पलट सकता है ये सब हमारे साधकों में शक्ति है लेकिन बापू कहते हैं हर शांति से काम करने का है सब आएगा ये सब हमारा लीला करते हैं मेरी लीला हो रही है ये लीला और हम जल्दी वहां पर आएंगे तो आपने देखा ये रेलवे में कर्मचारी थे यहीं वलसाड़ शहर के अंदर ये कर्मचारी थे इन्होंने ही बताया कि हम सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम के अंदर जा रहे हैं लेकिन आज तक कोई गलत गतिविधियां हमने नहीं देखी और इन्होंने ये भी उल्लेख किया कि ईसाई मिशनरिया हिंदू को कन्वर्ट करके उनको ईसाई बनाती थी तो बापू ने और बापू के भक्तों ने वहाँ जाके उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाए इसी वजह से आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हुई ये हिंदूवादी संगठनों का भी यही कहना है बापू के भक्तों का भी यही कहना है और एक आश्चर्य की बात है कि बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई बापू जोधपुर जेल के अंदर बंधे लेकिन भक्त आज भी आसाराम जी बापू को भगवान मानते हैं भक्त आज भी आसाराम जी बापू को दोष मानते और लगातार सरकार से प्रशासन से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए कैमरा मैन अंजनी के साथ नीलेष ठक्कर वलसाड़ शहर से रफ्तार न्यूज